नमस्कार, वेलकम टू मायाज फूड। और आज हम बनाएंगे बेसन बर्फी। तो दिवाली स्वीट सेशन में आज हमने लिया है बेसन बर्फी, तो इतनी परफेक्ट तरीके से बनेंगे। देखिए, बेसन बर्फी वैसे तो बना लेते हैं, लेकिन यदि आपकी बर्फी इतनी इजीली ना टूटे, ये देखिए, और रूम टेम्परेचर भी पर यदि सेट ना हो, तो उसे परफेक्ट बेसन बर्फी हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो हमारी इस रेसिपी में एकदम बढ़िया से टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। हाँ, वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इतना परफेक्ट है कि इतनी परफेक्ट बर्फी तो आपकी बनेगी ही बनेगी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है कि चने का आटा लिया है, जो कि हमने लिया है 200 ग्राम, यानी कि बेसन। अब ये जो बेसन है, ये किस तरह का लेना पड़ता है बर्फी में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी कि बेसन जो हमने लिया है वो इस तरह का बारीक से ही पिसा हुआ है। बिल्कुल भी यहाँ पे हमें मोटा या दानेदार बेसन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो इस बात को आप कंफर्म कर लें, है ना। तो बेसन हमें लेना है बारीक वाला। तो देखिए, आगे की जो हमारी प्रोसेस है वो है घी वाली, यानी कि हमें घी रखना है गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि हमें घी कितना लेना है। तो यहाँ पे अब मैंने डाली 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3, और ये 4। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी डाल दिया है। तो देखिए, घी डालते वक्त हमें क्या करना है, घी की मात्रा जो है वो एकदम ज़्यादा ही स्टार्टिंग में हम नहीं डालेंगे। यदि आप ये सोचे कि भाई घी जो है वो हेल्दी है, ज़्यादा भी डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारी बर्फी के लिए ये सही नहीं होगा। तो घी जो है हम बाद में ऐड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको घी कम ही रखना है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगी कि आप यदि ये सोचिए घी को काफ़ी अच्छे तरह से हमें गर्म करना है, तो बिल्कुल भी नहीं, घी को हमें यहाँ पे एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना है। देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है और लगभग यहाँ पे 15 से 20 सेकेंड लगभग हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ये बेसन डाल दूंगी, क्योंकि एकदम से यदि ज़्यादा घी गर्म हुआ आपका, ज़्यादा यदि घी गर्म हुआ ना, तो फिर होगा ये कि जो बेसन है हमारा वो फटाफट से जलने लगेगा। और हमें क्या करना है, बेसन को बढ़िया मीडियम फ्लेम पर घी में भुनना है, जिससे कि जो नेचुरल उसकी जो महक है ना वो हमें मिले। इसलिए घी की मात्रा और घी का टेम्परेचर दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, फ्लेम को एकदम मीडियम कर दीजिए, इस बात का बिल्कुल से ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, हमने 4 चम्मच घी डाला था, तो बेसन डालने के बाद वो इस फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा घी हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने दोबारा से यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल दिया है। देखिए, घी बाद में ऐड किया तो चल जाएगा, लेकिन एकदम से यदि हमने ज़्यादा डाल दिया तो हम उसे निकाल नहीं पाएंगे, है ना। तो मेन यहाँ पे ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखना है, बस अब ज़्यादा घी हम नहीं डालेंगे, इतना तो सफिशेंट है। और थोड़ी देर बाद ना खुद ब खुद ना इसमें से घी छूटने लगेगा, बस हमें पेशेंस फुली अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, वो फ्लेम को मीडियम रखना है। बस शुरुआत में ये इस तरह से लगेगा, आपको शायद चिपक रहा है, लेकिन मिक्स करते रहिए। ये देखिए, मैंने लगभग यहाँ पे 1.5 मिनट तक इसे पकाया, और इस तरह से ना घी थोड़ा थोड़ा सा छूटने लगेगा। इसलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में हम यहाँ पे ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, वरना बर्फी जो है ना वो सेट नहीं होती है। ये देखिए, फिर से हम इसे मिक्स करेंगे और यूँ फैला देंगे, तो घी जो है वो अपने आप से छूटने लगेगा। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं, तो ये फॉर्म जो होती है ना, तो ये बर्फी बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होती है। दोबारा से जब आप मिक्स करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये एकदम गोला सा बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, दोबारा से जब हम इसे छोड़ देंगे तो ये फैलने लग जाएगा। तो ये एकदम परफेक्ट फॉर्म होती है बर्फी बनाने के लिए, कि जिससे आपकी बर्फी एकदम बढ़िया सॉफ्ट बनती है और बहुत इजीली जम भी जाएगी। तो देखिए, अब हमें पकाते हुए लगभग 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं, और एकदम बढ़िया सी फॉर्म में ये बेसन आ चुका है। देखिए, फटाफट वाली रेसिपी यदि आप कहेंगे तो उसमें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा फिर क्या कितना डालना है या नहीं। ये जो रेसिपी है थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनेगी, लेकिन एक बार यदि आपने देख लिया ना, तो आपकी बर्फी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने वाली है। इसलिए जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी सारी ट्रिक्स हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप ना प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अब देखिए, 3.5 मिनट हो चुके हैं लगभग, तो अब मैं उसे इस तरह से बहुत ही इजीली चला पा रही हूँ, लेकिन जो खुशबू है अभी थोड़ी कम है, तो हमें थोड़ी सी और अच्छे से महक इसमें आना अभी बाकी है। इसलिए हम इस तरह से मीडियम फ्लेम पर इसे यूँ मिक्स करेंगे पेशेंसफुली। और ये देखिए, आप ही बताइए, यदि स्टार्टिंग में ही ज़्यादा घी इसमें डाल देते तो अब इस मिश्रण की क्या हालत होती, ये तो हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इसलिए ये जो काम है ना स्वीट्स बनाने वाला, बहुत ही पेशेंसफुली करना बहुत ज़रूरी है।
तो अब देखिए बेसन को जो भुनने की खुशबू है वो एकदम बहुत ही परफेक्टली आ चुकी है, कलर भी बढ़िया सा हो चुका है, एकदम ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि बेसन जो है हमारा काफ़ी परफेक्टली भुन चुका है। तो ये वाली गैस जो है अब हम बंद कर देते हैं, ये काम यहाँ पे फिनिश होता है। हाँ, गैस बनने के बावजूद भी आप लगभग 1 मिनट तक इसे चलाएं ज़रूर, क्योंकि जो टेम्परेचर है हमारी कढ़ाई का वो भी गर्म है। तो गैस बंद कर दीजिए, 1 मिनट के लिए इसे चला लीजिए ताकि इसका टेम्परेचर जो है कम हो जाए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा चाशनी बनाने का। तो यहाँ पे हमने 150 ग्राम शक्कर ले ली है। स्टेप्स वही है हमारे कि हमें शक्कर में यहाँ पे पानी मिक्स करना है। अब 150 ग्राम हमने यहाँ पे शक्कर ली है, पानी इसमें अभी हम डालेंगे लगभग 1 कप, और मीडियम फ्लेम पर हमें अभी फ़िलहाल ये चाशनी को बनने देना है। चाशनी यदि यहाँ पे ज़्यादा भी बन जाती है हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे मिक्सचर में चाशनी डालेंगे, ना कि हम चाशनी बनने के बाद इसमें मिक्सचर डालेंगे। तो देखिए चाशनी में अब हम डालेंगे कूटी हुई इलायची और थोड़ा सा येलो कलर यहाँ पे डालेंगे ताकि बढ़िया सा कलर हमारी बर्फ़ी में आए। तो यहाँ पे चाशनी में हमने बढ़िया येलो कलर डाल दिया, और चाशनी जो है वो हमें बनानी है एक तर वाली, क्योंकि हमें चाहिए बढ़िया सी सॉफ्ट सॉफ्ट बर्फ़ी। तो चाशनी के लिए हमें चाहिए कि चाशनी हमारी बने एक तर वाली, और चेक हम उसी तरह से करेंगे। इस तरह से लेके से पहले ठंडा होने देना है, और जब ठंडी हो चाशनी तब ये देखिए एक तर बन रहा है, चाशनी हमारी परफेक्ट है। बंद कर देंगे हम गैस को। तो देखिए मिक्स किस तरह से करना है हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मिश्रण था हमारा ये तो अब लगभग थोड़ा ठंडा हो चुका है, यानी हल्की सी गर्माहट है बस। अब क्या करेंगे हम इस मिक्सचर में ये चाशनी डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके, चाशनी का टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो चुका है। तो अब चाशनी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। सो ये देखिए हम इसे मिक्स कर रहे हैं, और ये इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो मिक्सचर है हमारा ये फॉर्म पकड़ने लगा है, यानी कि जो हमारा ये जो मिक्सचर है एकदम परफेक्ट बना है। तो अब हम इसे एक टिन में डाल देते हैं, इस टिन को हमने ग्रीस कर लिया है। इस फॉर्म में आपका मिक्सचर बनना बहुत ज़रूरी है, ये एकदम परफेक्ट तरीके से सेट होगी। टिन को ग्रीस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी बर्फी हमें कितनी मोटी चाहिए या फिर पतली चाहिए उस हिसाब से हमने इसे इस तरह से फैला लेंगे। बहुत ही इजीली ये फैल रही है, ये देखिए स्पैचुला मैंने ये वाला यूज़ किया है। तो इस तरह से मैं इसे फैला लूँगी ताकि बढ़िया पतली सी लेयर एक बर्फ़ी की यहाँ पे बन जाए। सो ये देखिए धीरे धीरे करके पूरे टिन में हमारा ये जो मिक्सचर है बहुत अच्छी तरह से फैल चुका है, जिसे फैलाने में हमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ऊपर से अब हम इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल लें, थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट जो है हमारे अच्छी तरह से चिपक जाए। और सेट करने के लिए लगभग आपको 1 घंटा या 2 घंटा, वैसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उस हिसाब से हम देखेंगे। और इस बर्फ़ी को आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जैसे कि मैंने कहा था बर्फ़ी यदि रूम टेम्परेचर पर सेट ना हो तो वो परफेक्ट बर्फ़ी नहीं होगी। तो हमारी ये बर्फ़ी हम रूम टेम्परेचर पर सेट होने देंगे, यानी कि बाहर ही हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए मैंने तो कहा था कि शायद 2 घंटे लग जाएंगे सेट होने में, लेकिन यकीन नहीं मानेंगे आप कि ये लगभग 20 मिनट में इतनी परफेक्ट सेट हो चुकी है हमारी बर्फ़ी। ये देखिए अब ये वाले पीसेस जो हैं वो भी हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इतनी परफेक्ट हमारी ये बेसन बर्फी बन के तैयार है। यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू।